नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात हुई है जो कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा। इसराइल ने, भारत ने वो कर दिया। जी हाँ साथियों, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इसराइल के खिलाफ जब ये रेजोल्यूशन लाया गया था, तो देखने वाली बात ये थी कि भारत किस तरह से साथ देगा, साथ देगा भी कि नहीं देगा, क्योंकि वैसे भी भारत ने इसराइल के पक्ष में कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी थी। हालांकि बहुत सारे देश इसराइल के समर्थन में और कुछ खिलाफ निकल कर आए थे, लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी एक बहुत बड़ा मतलब ऐसी चीज़ कर दी जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। तो चलिए साथियों, वीडियो को डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। साथियों, यूनाइटेड नेशन के अंदर त्रिमूर्ति जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन के दर्द को समझते हैं और पूरी कठोरता के साथ फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जाकर चेक कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन के ट्विटर हैंडल के ऊपर। वहाँ पर त्रिमूर्ति जी की वीडियो है, चाहे तो India@UN पर जाकर भी आप ये बात चेक कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी हिंसा उस इलाके में भड़की है, उस मस्जिद के अंदर या जेरूसलम के अंदर विवाद होने के बाद, ये बहुत ही गलत हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि जिस प्रकार की भी हिंसा हो रही है वहाँ पर, हम उसकी निंदा करते हैं। जो रॉकेट गाजा से इसराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं, और जो इसराइल द्वारा कार्रवाई की जा रही है वहाँ पर, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोस्चर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है भारत ने। ये अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए, इवन कि हमारे लिए और इसराइल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब अनएक्सपेक्टेड रहा कि भारत ऐसा स्टैंड ले जाएगा। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कहा है कि तत्काल तनाव कम करने की ज़रूरत है दोनों देशों को, और साथ ही वह कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के अंदर इसराइल और पैलेस्टीन का दो देशों का सिस्टम है कि दोनों को अलग-अलग देशों के रूप में मान्यता दे दी जाए, उसके ऊपर भी भारत ने कहा है कि हम सहमति जताते हैं। तो मतलब भारत ने अपने खास दोस्त इसराइल का बिल्कुल कठोरता से साथ देने के बजाय सीधे तौर पर फिलिस्तीन का साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक भी ऐसी स्टेटमेंट इसराइल के फेवर में नहीं दी है कि हाँ इसराइल को अपने लिए स्टैंड लेने का हक है या कुछ भी, जो कि दूसरे देशों के द्वारा दी जा रही है। तो ये मतलब बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट थी, भारत का एक अलग ही फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव था। देखते हैं कि क्योंकि इससे इसराइल भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे जो भारत ने कहा है, क्योंकि अभी तक भारत ने पब्लिक डोमेन में यूनाइटेड नेशन के अलावा कहीं भी इसराइल के फेवर में या इसराइल के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला था, लेकिन यूनाइटेड नेशन में तो उन्होंने पूरा ही फिलिस्तीन का साथ दे दिया। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिएगा, हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को।